भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच बेहद इंटरेस्टिंग मोड पे है। करीब 43 ओवर का खेल हो चुका है और 110 रन ऑस्ट्रेलियाई टीम बोर्ड पर लगा चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और शुरुआत में ही आज भारतीय का टीम का इनएक्सपीरियंस पेस अटैक और इनएक्सपीरियंस स्पिन गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को हावी नहीं होने दिया। दरअसल मोहम्मद सिराज जो इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने यहां पर पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। बड़ी बात यह है कि डेविड वार्नर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो भी यहां पर इस टेस्ट मैच में की पहली पारी में फ्लॉप हो गए। मार्कस हैरिस, जिन्हें विल पोकोव्स्की की जगह लाया गया था, वो शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर ने भी आज अच्छी गेंदबाजी की है, 7 ओवर 3 मैडन अब तक डाल चुके हैं और 27 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने हासिल की। वहीं इसके बाद स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के बीच एक शानदार साझेदारी हुई। इस साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया 100 के स्कोर को पार कराने में सफल हो गया। फिलहाल लाबुशेन नाबाद हैं, लेकिन लंच के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने यहाँ पर रोहित शर्मा के हाथों स्टीव स्मिथ का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब देखना है कि भारतीय टीम और कितना जल्दी ऑस्ट्रेलिया को समेटती है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, भारत का गेंदबाजी अटैक जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि इनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी अटैक भारत की ओर से गेंदबाजी कर रहा है। बहुत शानदार गेंदबाजी अभी तक हुई है इस मैच में। यहाँ पर नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर का डेब्यू हुआ है, तो भारतीय टीम पूरे तरीके से यहाँ पर चोट से परेशान होकर जबरदस्त वापसी करने की कोशिश कर रही है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.